सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सर, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक इंस्टाग्राम का न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। फिर जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में वो इंस्टाग्राम की रील देखी थी और अभी अभी भी आप मेरी बैक में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देख रहे हैं, तो ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से ये बताऊंगा कि आप कैसे इस रील की एडिटिंग कर सकते हैं इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। अब चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। उससे पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहे। चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। सो अब देखिए गाइस, मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर दो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सुपर वीपीएन या कोई भी एक वीपीएन को डाउनलोड कर लेना है। ये आप इजी से प्ले स्टोर से या आईफोन में ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको सेकंड एक ऐप डाउनलोड करना है, इसका नाम कैपकट ऐप है। ये कैपकट ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को इसलिए आप एंड तक जरूर देखना और बिल्कुल इजी मेथड से प्रोफेशनल रील हमारी एडिट होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपने फोन में वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन से। इससे क्या होता है कि हमारे जो कैपकट ऐप है उस कैपकट ऐप के सारे ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर थोड़ी ही जस्ट कुछ सेकंड में यहाँ पर ये वीपीएन हमारे फोन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको बाहर की वॉल्यूम आएगा सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मैं अपने घर पर नहीं हूँ। ओके, सो अब मैं कैपकट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। देन ओपन करने के बाद सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको वीडियो पर क्लिक करने के बाद अपनी एक वह वीडियो ऐड कर लेनी है जिस वीडियो की आप अपनी रील बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं अपनी इस वीडियो की वो रील एडिट करना चाहता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पर ये एडिट किया है, ठीक है। ये सिंपल वीडियो है। देन आपको स्टार्टिंग में आना है। जैसे मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ से उठा करके रख रहा हूँ, तो आपको भी अपनी वीडियो ऐसे ही शूट हुआ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना है और इसको आपको स्प्लिट कर देना है। तो अब मैंने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लिया। देन स्प्लिट करने के बाद अब जो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा बचा है एडवांस पार्ट, इस पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही आपको लास्ट में आना है। देन ये जो आपका ये लास्ट वाटर मार्क मिलता है इस ऐप का, इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रेशियो का, ये देखिए, आपको रेशियो पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको 9:16 पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम का रेशियो होता है। अब मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्लैक और ब्लैक यहाँ पर आ रहा है, तो मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ इतना, ठीक है। इतना मैंने इसको वीडियो को जूम कर लिया है और इंस्टाग्राम के साइज का कर लिया है। देन अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, मैं आपको इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ दो फिंगर की मदद से। देन आपको यहाँ पर थोड़ा मैं आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर कहाँ पर रोकना है। सिंपली गाइस, आपको यहाँ पर जो रोकना है, आप यहाँ पर देख रहे हो 27F, ये देखिए गाइस, ये देखिए 27F के बाद जो पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के ठीक सामने रोकना है आपको। 27F से जो पीछे पॉइंट है इसके सामने रोकना है, और ठीक है, ये याद रखना है कि यहाँ पर 1 सेकंड आने से पहले, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके इसको आपको गाइस स्प्लिट कर देना है, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद आपको थोड़ा छोटा कर देना है। वाइस छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करना है और स्पीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपली नॉर्मल पर क्लिक करना है। नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद ये जो आप रेशियो देख रहे हैं इसको आपको 0.2 कर लेना है। ओके, 0.2x। देन अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है। देन राइट पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको इतना कर लिया है। करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, लास्ट में आना है और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है आपको सिंपली स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर क्लिक करना है और इसका जो रेशियो है आपको 0.3 करना है, ठीक है, 0.3, ठीक है। देन राइट पर क्लिक कर देना। अब हम इसमें एक ऑडियो ऐड करेंगे, तो ऑडियो ऐड करने के लिए सिंपली ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको एक 11 सेकंड का वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से ये रील डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस रील की लिंक भी दे दिया, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑडियो डाउनलोड ऐड कर लिया है। अब जहां तक ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ठीक है, सो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारे यहाँ ये ऑडियो हमारी यहाँ तक है, तो इस ऑडियो पर ही क्लिक करके जहाँ तक हमें लास्ट ऑडियो होती है ऐसी वीडियो पर क्लिक करना है और इसको हमें स्प्लिट कर देना है। और जो लास्ट में एडवांस पार्ट बचा इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है,
ठीक है, अब हमारी ये ऑडियो की ड्यूरेशन होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है और इस वीडियो पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको बैक करना है, यहाँ से बैक करने के बाद एक बार और बैक क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आना है और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, ये इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा। अगर यहाँ पर आपको नो इंटरनेट कनेक्शन आता है तो आपको जो है यहाँ पर अपना VPN ठीक से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस बेसिक का, आप उस सिंपली बेसिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डायमंड जूम मिलेगा और इसको हेलो ब्लर मिलेगा। वॉल्यूम कर लेता हूँ कम, मैं हेलो ब्लर पर क्लिक करता हूँ। हेलो ब्लर पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी स्पीड को कर लेता हूँ गाइस यहाँ पर 70। ठीक है, और इसको कर लेता हूँ फुल इंटेंसिटी को। ठीक है, करने के बाद मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ। देन राइट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो हेलो ब्लर मैंने लगाया था इसको मैं लास्ट तक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग पे आता हूँ। स्टार्टिंग पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर गाइस क्या करना है, बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग चलेगा और सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखिए यहाँ पर ट्रेंडिंग पर ही ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वाला इफेक्ट मिलता है आपको। ठीक है, ट्रेंडिंग पर ही, अगर आपको ट्रेंडिंग में नहीं मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए गाइस यहाँ पर आपको ना कहीं पर ये इफेक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो आपको ढूंढ लेना, वैसे तो यहाँ पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है, यहाँ पर सिंपली मैं इलेक्ट्रो इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ ऑप्टिकल पर और ये देखिए मेरी वीडियो पर लग गया है। मैं नीचे राइट पर क्लिक करता हूँ और नीचे राइट पर क्लिक करने के बाद इसको मैं होल्ड करके आपको होल्ड रखना है और इसको आपको पीछे की साइड कर देना है। ठीक है, पीछे की साइड कर दिया। अब मैं फिर से बैक आता हूँ। बैक पर आने के बाद फिर से आपको इसमें एक इफेक्ट अभी और लगाना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है और गाइस वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि मैं यहाँ पर कौन से इफेक्ट यहाँ पर लगाने वाला हूँ। सिंपली आपको पार्टी पर क्लिक करना है, पार्टी है। ठीक है, पार्टी पर क्लिक करने के बाद आपको ये स्ट्रोब का ऑप्शन मिल रहा है, स्ट्रोब, आपको सिंपली स्ट्रोब पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको करना है इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और ये जो स्ट्रोब वाला हमें इफेक्ट्स लगाया है इसको आपको स्टार्टिंग से रखना है और दूसरी बात आपका जो फर्स्ट वाली वीडियो का पार्ट है इस पार्ट तक ही रखना है स्ट्रोब वाला पार्ट हमको। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर देखिए अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हमने जो ये ब्लर लगाया था ये ब्लर जो है गाइस हम थोड़ा इतना कर लेते हैं कि जिससे कि जब हमारी ये नेक्स्ट वीडियो वाले वीडियो पार्ट स्टार्ट हो तो हमारे फेस पर ब्लर ना रहे, तो मैं इसको अभी और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा ब्लर है या अभी भी नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा एडवांस चलता है। सो अब देखिए गाइस यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो हमने इलेक्ट्रो वाला इफेक्ट लगाया था अभी प्ले करता हूँ। ठीक है, बस यहाँ पर मैं इलेक्ट्रो वाला इफेक्ट लगा लेता हूँ, इसको होल्ड करके आगे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। इतना लगा लिया, इतना लगाने के बाद बस अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इसमें हमारा और काम भी है, वो कैसे करना मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली स्टार्टिंग के बाद प्ले करके देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोलती कंपनी आता है सिंपली इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद स्प्लिट कर देना है और जो हमारा एडवांस पार्ट बचा है इसको बीच वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस। ठीक है, आपको इसी हिसाब से यहाँ पर इसको इक्वल कर लेना है जहां से क्या बोलती कंपनी है कि वहां तक ये आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं ठीक से। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा इस तरीके से कर लिया, मैं इसको अब सिंपली एरो पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेता हूँ। आपको एक बात का याद रखना है कि जब आप वहाँ पर इफेक्ट्स लगाएं तो आपको ठीक। सो मैंने यहाँ पर वो वीडियो ऐड कर लिया जो मैंने कैपकट से अभी आपके सामने सेव किया था, तो यहाँ पर इसकी गाइस साउंड नहीं आई है, शायद मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर ना गाइस म्यूट कर दिया होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक साउंड ऐड करता हूँ, तो ऐड टू म्यूजिक, टैप टू ऐड म्यूजिक, म्यूजिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर पहले से ही मैंने यहाँ पर ये चूज कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी में साउंड आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। सो यहाँ पर अब आपको सिंपली एक बार स्प्लिट करना है और थोड़ी वीडियो और प्ले करके आपको स्प्लिट करना है बीच में। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद लास्ट में आपका छोटा सा वाटर मार्क मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। फिर ये जो प्लस मैंने यहाँ पर आपको लगवाए हैं ना, इन प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लाइट वाला इफेक्ट लगाना है, ये लाइट वाला।
है लाइट वाला, ऐसे ही इस प्लस पर भी आपको लाइट वाला इफेक्ट लगाना है, ठीक है। कहीं पर भी आप लास्ट में बीच पर क्लिक करके लाइट वाले दो इफेक्ट लगा सकते हैं। अब मैं आपको प्ले करके इस वीडियो को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर क्या करना है गाइस, मैं एक प्लस और लगा लेता हूँ इससे पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं इससे पहले एक इफेक्ट और लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अजीब सा लग रहा है थोड़ा। मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ और एक लाइट वाला इफेक्ट और लगा लेता हूँ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ गाइस। तो आपने देखा प्रोफेशनल तरीके से हमारी रील यहाँ पर एडिट हो चुकी है। आपको जब कैपकट से एफएक्स ब्लर वाला लगाएं तो ठीक से लगा देना है, काफी अच्छी वीडियो एडिट हो जाएगी। अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना, बट उससे पहले सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि मैं आपके डेली वायरल से वायरल रील्स की एडिटिंग लाते रहता हूँ। सो मैं सिंपली नीचे राइट पर क्लिक करता हूँ, विदाउट किसी प्रॉब्लम के मेरी गैलरी के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रेंड के साथ।